पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शंस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो बिल्कुल। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। आज की वीडियो थोड़ी सैड भी होने वाली है, सही बात है। और लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो करना, तो उसके लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और रिक्वेस्ट वगैरह। और बैकअप चैनल के लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें वहाँ पर भी मतलब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो का तो पूरा मुझे पूरी दी थी। हाँ, पूरा फॉलो, उसको जाके हमें लिंक्स वगैरह भी आप वहाँ पर भेज सकते हो। अब आते हैं इंट्रो की तरह। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो जो काफ़ी सैड होने वाली है, क्योंकि मतलब जो दुनिया के सबसे अजीम तरीन विकेट कीपर थे MS धोनी, वो रिटायर हो गए हैं, और बेस्ट कैप्टन दुनिया के, तो उनके बारे में वीडियो है। तो RJ रौनक नो प्रो की वीडियो है, लिंक आपको इनके चैनल का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो लाजम इनका चैनल सब्सक्राइब करना। पहले देखते हैं तो वीडियो, पहले वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत एक सैड न्यूज़ है क्रिकेट की दुनिया के शौकीन लोगों के लिए। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कल शाम माही भाई ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। माही भाई, मैं रौनक, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बस यही कहना चाहता हूँ कि यार आपने तो दिल तोड़ दिया। सच में दिल। और चलते चलते आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे हम सब, थैंक यू ये बताने के लिए कि सिर्फ शहर छोटा होता है वहां से आए लोग नहीं। थैंक यू माही भाई ये यकीन दिलाने के लिए कि भले ही पूरा ग्राउंड टेंशन में अपने नाखून चबा ले, लेकिन मैदान में एक आदमी है जो होश संभाले है, जो देश की उम्मीद संभाले है। ये बात की है, इसमें कोई शक। थैंक यू माही भाई अपनी ताकत से ये भरोसा जगाने के लिए कि कोई मैदान हमारे लिए बड़ा मैदान नहीं है। थैंक यू माही भाई ये बताने के लिए कि जीत खेल का हिस्सा है, खेल जीत का हिस्सा कभी नहीं। ये समझाने के लिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। थैंक यू धोनी हमें बेपरवाह से लड़कों से एक जिम्मेदार आदमी बनने के सफर में इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू धोनी दुनिया की सारी ट्रॉफी जीत के उसे टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी को सौंप देने के लिए, और बदले में खुद सबसे कोने में जाकर खड़े होने के लिए, जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। थैंक यू विकेट के पीछे खड़े होकर बॉलर्स को गाइड करने के लिए, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स की बातों का बेहतरीन जवाब देने के लिए। थैंक यू माही भाई उन सभी DRS और रिव्यू कॉल्स के लिए जिनकी वजह से हम हारता हुआ मैच जीते। इनके तो वो रिव्यू जो इस वक्त पूरा देश लेना चाहता है, ताकि तुम्हें एक आखिरी बार नीली जर्सी में खेलता हुआ देख सके। थैंक यू माही भाई जर्सी नंबर 7 को दुनिया की सबसे पॉपुलर जर्सी बनाने के लिए। नंबर 7। थैंक यू धोनी तुम्हारी उन आंखों का जिन्होंने क्रिकेट के इस खेल को सबसे अच्छे से पढ़ा। थैंक यू तुम्हारे उस चेहरे का जिसने कभी हमें पता ही नहीं लगने दिया कि तुम जीत पे कभी खुश या हार पे कभी निराश हुए या नहीं। थैंक यू माही भाई तुम्हारे उन पैरों का जो हमारी धड़कनों से भी तेज भागे। थैंक यू धोनी बिना पंखों के हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, उन शॉट्स के लिए जिन्होंने हमारी उम्मीदों को पर दिए, बहुत फेमस शॉट थी, उन स्टंपिंग्स के लिए जो हमारी पलक झपकने से पहले ही तुमने कर डाली, उन रनआउट्स के लिए थैंक यू माही भाई जिन्होंने सामने वाली टीम को हमें ट्रोल करने का मौका नहीं दिया। थैंक यू उस भरोसे का कि अगर आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए तो प्रेशर में धोनी नहीं बल्कि बॉलर है। उस भरोसे के लिए भी शुक्रिया कि कुछ भी हो जाए, धोनी ग्राउंड पे है तो जीत अपनी है। थैंक यू देश की 130 करोड़ उम्मीदों का भार उठाने के लिए। थैंक यू विशाखापट्टनम 2005 के लिए, थैंक यू जोहान्सबर्ग 2007 के लिए, थैंक यू मुंबई 2011 के लिए, ये वर्ल्ड कप जीते थे, बर्मिंघम 2013 के लिए, और उन सारी ICC ट्रॉफीज के लिए जिसे जीतने वाले तुम पहले कप्तान बने, और तुम्हारे बाद अब शायद कोई और नहीं जीतेगा। थैंक यू माही भाई हर उस लम्हे के लिए जिस पे पूरे हिंदुस्तान को नाज है। थैंक यू महेंद्र सिंह धोनी, 2004 से 2020 तक हर वो दिन जब तुम मैदान पर उतरे, हमें उस दिन पर फक्र है, हमें तुम पर फक्र है। वी मिस यू कैप्टन, वी लव यू माही भाई, जय हिंद। 2000 से तो गुड बाय कैप्टन। और इसी के साथ हो यार ये वीडियो ख़त्म। तो यार सीरियसली बोलूँ मुझे ना तुझे, मतलब कुछ ऐसी इसने इतने प्यारे अल्फाज यूज़ किए ना, मतलब वर्ड्स यूज़ किए हैं
कि मेरी स्माइल आ गई थी फेस पे एकदम सच में। इसने इस 3.5 मिनट की वीडियो में इस तरह इसकी लाइफ मतलब, का एक्सप्लेन किया इसने। यार सारी ट्रॉफीज मतलब आज तक के सबसे सक्सेसफुल कप्तान कोई थे तो वो धोनी है। इसमें कोई शक नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसमें कोई शक नहीं है जितना इन्होंने किया है इंडिया की टीम बिल्कुल। अरे हमने इसका वो विकेट कीपिंग स्किल्स देखे, हालांकि विराट कोहली जिस तरह के उसके स्किल्स वो तूने देखे थे किस मतलब तरह एक बार पीछे अगर कैप्टन मतलब सॉरी विकेट कीपर धोनी है ना तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, तुम आउट हो। ये एक किसी ने बोला भी था कि मतलब कुछ शक और शोभा तुम्हें नहीं रहना चाहिए कि तुमने आगे बढ़ शॉट खेली और बीच से बाहर और पीछे उसके हाथ में गेंद चली, उसमें कोई शक नहीं तो मतलब तुम आउट हो। ये फौरन यार एक्शन लेते थे और बंदा पवेलियन लौट जाता। और मैं भी लास्ट टाइम काफी इनको क्रिटिसाइज भी किया गया इनके वो रिटायरमेंट से रिलेटेड में कुछ बोला गया था ऐसा सुनने में मेरे आया था कि आप लोग इस बारे में बताइएगा, सही है सेक्शन में बताना। और जैसे विराट कोहली बने थे ना कैप्टन तो उसके बाद भी टीम को कंट्रोल यही करते थे सही में। और वो भी मतलब इस पे गुस्सा नहीं होता था विराट कोहली, वो भी खुश होता था कि मतलब सीनियर है भाई आके मुझे बता रहा है। बिल्कुल आता था विराट कोहली। और जैसे वो कप जीता 2007 का कहते हैं मतलब ऐसे बंदे को पकड़ाया जो मतलब सबसे छोटा था विराट कोहली और खुद कोने में खड़े हुए थे वो जैसे कुछ किया ही नहीं। मतलब ये बहुत बड़ी यार बातें हैं मतलब ये जिस बैकग्राउंड से बंदा उठ के आया धोनी जिसकी हमने मूवी देखी थी वो जो क्या था उसमें जो बंदा है तो यार मतलब एक रोल मॉडल है ये पूरी दुनिया की सच में। और इसने हेलीकॉप्टर जो शॉट की थी वो पूरी वर्ल्ड में फेमस हेलीकॉप्टर शॉट है। मतलब कुछ ही प्लेयर्स है वो उस शॉट को खेल सकते हैं, मे बी एक अफगानिस्तान का के कौन सा वो खेल सकते हैं शॉट को, और बकाया धोनी है और एक आध प्लेयर और है और बकाया कोई भी नहीं शॉट को खेल तो सकता। यार मतलब बहुत मजे का यार इसने बोला जो भी है और तो हमेशा रहेगी। और जिस वक्त यार मतलब मैच होता था पाकिस्तान इंडिया का हम कहते थे ये बंदा जल्दी आउट ये बंदा आउट हो तो तब मतलब बहुत इसकी एक मतलब रोब होता था जिस तरह इधर हाँ मतलब कुछ हमारे थे उनका भी हर किसी का एक रोब होता है क्रिकेटर ऐसा होता है जिसका रोब होता है ये वो बंदा था जिसको विराट कोहली भी आउट हो जाए उसके भी ये रोब वाले अभी शर्मा वो भी बहुत खतरनाक कोई शक नहीं इसमें कोई शक नहीं। लेकिन धोनी तो हमेशा लेजेंडरी प्लेयर हमेशा याद रहेगा इस हिस्ट्री में क्रिकेट। तो यार आप अपनी जो भी मतलब बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बोले हम आपके मैसेज पढ़ेंगे। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते।